हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर सड़ा पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सस्पेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहा था। एनआरए सीईटी के थ्रू क्या एसएससी जे 2024 का एग्जाम होगा? तो मैंने ऑफिशियल कंफर्मेशन जानने की कोशिश की और फाइनली मैंने फाइंड आउट किया कि क्या इस पे अपडेट है। देखो, एक तो खुशी यह है कि एसएससी ने आपका पूरा का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। सिंपल सी बात है, 29 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आएगा, 29 मार्च लास्ट डेट होगा और मई जून में आपका एग्जाम होगा। और फिर मैंने पता किया कि एनआरए सीटी के थ्रू कौन कौन सा एग्जाम होना है, तो ये सारे एग्जामिनेशन आपके होने हैं। बट इसमें जो बच्चों के, अब चूंकि इसी कैटेगरी में हमारा एसएससी जेई भी आता है, तो सवाल आप लोगों के मन में जो बन रहे थे उसको हमने को ओवर करने की कोशिश किया। इसमें देखो, मैंने आरटीआई का एक रिप्लाई पाया जिसमें कहा गया है कि अभी तो एग्जाम का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन का सिलेबस फाइनलाइज नहीं हुआ है और आप लोगों को यहां तक कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो 2024 को लेकर के अभी तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। दूसरा एक चीज फाइंडिंग मुझे लगा कि एसएससी ने यहां पे कैलेंडर भी जारी कर दिया, एसएससी ने आपका कैलेंडर भी जारी कर दिया, नॉट फॉर एसएससी जेई, बाकी सभी एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, आप लोग अपने मन में जो सस्पेंस पैदा कर रहे थे वो सारे मिथ है। हाँ, ये है कि एसएससी जेई 2024 का एग्जाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 के मॉड्यूल में होगा। जो सीबीटी 1 आपका टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है, सीबीटी 2 जो आपका प्योर टेक्निकल है। तो गाइस, आप लोग जो इस तरह की चीजें, मतलब क्योंकि देखो 2024 में चुनाव है और नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर देखो मैं अपने कैलकुलेशन के दृष्टि से देखूं तो स्टूडेंट्स ठीक ठाक आएगी, तो अपनी प्रिपरेशंस करो। अब चूंकि देखो, जब प्रायर हो चुका है, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी न्यूज नहीं होगी। चूंकि ऑब्वियस बात है यार, बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि 2023 में वो परसों ही होंगे। तो कोई बात नहीं, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग नहीं भी हैं, अपनी तैयारी रखो, कभी ना कभी तो आपको पेपर देना है। और एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस का आपने सिलेबस को कैटर कर लिया, तो इंडिया का हर एक एग्जाम आपके हाथ में होगा, मुट्ठी में होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बस अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे करते रहो दोस्तों। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि चैनल पे जुड़े रहो, ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए हम हमेशा जाने जाते हैं। तो आप लोगों को हर एक जानकारी को सही तरीके से साझा करेंगे और ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ। बस इतना याद रखना, मैं हमेशा कोई भी चीज आप लोगों को रिसर्च के साथ देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी भी तरह की और भी समस्या है आप लोग यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी हेल्प यू पर्सनली गाइज यू, है ना। और मेरे साथ इंजीनियर अड्डा पे रेगुलर शाम को 7 बजे कनेक्टेड रहा करो, ऑलवेज, राइट। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं यार, कि दिवाली का हमारे साथ सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोग तो सेलिब्रेशन चल रहा, उसका पार्ट बनिएगा। महा आप एसएससी जे 2024 के लिए यकीन बैच आप लोगों का लॉन्च कर दिया गया है जिसमें अराउंड 80% का ऑफ है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201। इस बैचेस में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, करीब 500 घंटे की लाइव क्लास है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की फाउंडेशन टाइप की टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो है, DPP है और आप हैंड रिटन नोट्स भी आप लेक्चर के प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इस पे डिस्काउंट चल रहा है 80%। कोड कौन सा यूज करना है? Y201। बाकी महापैक पे डबल, अच्छा इस पे डबल वैलिडिटी भी, अच्छी बात है कि इस पे डबल वैलिडिटी भी है इस पे। और महापैक अगर आप लेते हैं तो इस समय 2700 रुपये का पड़ रहा है यार, इसी कोर्स से कूपन कोड आपका यूज कर सकते हैं। और आपको पता है इस महापैक में एसएससी एंड आरआरबी एंड तमाम तरह के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के बैचेस भी हैं, तो महापैक को भी दे सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिलेगा और कोड ऑलवेज यूज करना ये। और ज्वाइन करते समय किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट में बताना। और ये दिवाली पे सेलिब्रेशन चल रहा है तो आप इसका फायदा जरूर रहिए, क्योंकि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट के लिए हम लोग आप लोगों को जाने जाते हैं। और मेरी रेगुलर क्लासेस इंजीनियर्स डे पे शाम को 7 बजे मैं आप लोगों के लिए रोज देता हूँ दोस्तों। थैंक यू।